तो देखिए आप यहाँ देख सकते हो छोटे छोटे ब्लूबेरीज हैं और इसे आप लिटरली खा सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो अभी हो रहा है सनसेट का टाइम, ऑलमोस्ट 11:15 हो गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो। और आज का एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है जो कि नुक्सियो पार्क में हम लोग जा रहे हैं, जो कि एक नेशनल पार्क है फिनलैंड में। तो हम लोग शाम को 6:30 बजे हमारा प्लान बना कि हम निकलते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे अभी 8 बज रहे हैं, 7:30 कुछ ऐसा 8 बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि नेशनल पार्क है तो वहाँ पे जंगल में कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने मैकडी से फटाफट से लिया बर्गर, उसे खाया और फिर उसके बाद हम लोग पार्क की तरफ गए। इतना सुंदर था, इतना सुंदर, आपको आज का व्लॉग वही देखने वाले। तो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। नमस्ते। तो हम लोग आए हैं एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे। तो आज का व्लॉग होने वाला है एक पार्क में, और ये जो पार्क है नेशनल पार्क है, करेक्ट, ये है एक नेशनल पार्क और ये है फिनलैंड में, और हमारे घर से ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की दूरी पे है। और ये पार्क का नाम है नुक्सियो पार्क, और ये बहुत ही सुंदर है। और इस समय मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो, वाओ, कमल के फूल है छोटे छोटे इसमें, बट अभी आए नहीं है, बट पत्तियां बहुत सारी, लेक है एक ये, और इतना सुंदर लग रहा है। तो आज का व्लॉग होने वाला है बस यही पार्क के बारे में। हम लोग यहाँ घूमेंगे फिरेंगे और हम हमारे फ्रेंड्स के साथ आए हैं। पूरा व्लॉग देखना, एंड तक देखना। और मैं कुछ दिख रही हूँ ऐसे, बहुत अच्छा मौसम है और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम ही है, प्लेजेंट लग रहा है, धूप अच्छी खा। तो दोस्तों मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड जो है वो हेल्प करेगी मुझे दिखाने में। तो एक सेकेंड, शूज, और ये मेरी जीन्स, ये मेरा शर्ट जो की जूडियो से है, ये बैग H&M, और ऐसे तैयार हो गई हूँ और हाथ में रख लिया एक पतला सा जैकेट जो कि काफ़ी नहीं होगा। तो ये है पूरा आज का आउटफिट। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, और कमेंट में मैं चाहूँगी मेरे जो पीछे दोस्त थे वही कमेंट करें। ओके दोस्तों, तो हमने ना बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत सारी, इतना अच्छा लोकेशन था ना फ़ोटोज़ के लिए, तो मैंने तो पूरी कमी जो है फ़ोटोज़ की वो अच्छे से पूरी कर दी। देखिए कितनी प्यारी लाइट आ रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, और अभी बज रहे रात के 9:45, और आपको बताओ 9:45 बजे इतना तेज धूप है, देखिए सन, और ये ना अभी रात को बहुत रात को जो है सनसेट होगा। और अभी जो है आज लॉन्गेस्ट डे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो आज जो है अंधेरा होने नहीं वाला है, और कल से जो है वो धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज यहाँ है छुट्टी, तो उसी का हम लोग मजा लेने आए हैं। अभी दिखाती हूँ हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। ओके गाइस, रेडी। ओके दोस्तों, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को यहाँ का एक टूर दे देती हूँ कि कैसा है। अभी बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे, कैंपिंग स्पॉट्स है अलग अलग। ओके दोस्तों, तो मैं हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक बैठे, और अभी जो सन है वो नीचे जा चुका है, मतलब उधर साइड हो गया है, तो थोड़ा ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ का टूर दे देती हूँ। और यहाँ पे ना कैंपिंग स्पॉट से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, एक्टिविटी यहाँ कर सकते हो, काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है। तो अभी तो फिलहाल जहाँ हम बैठे उतना एरिया मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे यहाँ पर, तो पूरा लेक है, और बहुत सारे यहाँ पर जो लोटस के लीव्स है वो बहुत सारे हैं यहाँ पर। और अभी और आगे जाएंगे। बाय बाय। चलिए अब एक खबर पता चली कि यहाँ पे ब्लूबेरीज लगे हुए हैं, तो आके देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना। आप ऐसे ब्लूबेरीज उठा सकते हो, तो यहाँ पे देखते हैं काम कहाँ पर है। ये छोटे-छोटे नहीं दिख रहे हैं यहाँ दिखा। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हो छोटे छोटे ब्लूबेरीज हैं, और इसे आप लिटरली खा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लू, खाओ ना। नहीं नहीं नहीं, अभी पता नहीं यार, खाओ मत। खा सकते हैं कि ब्लूबेरी खाओ मत ना, दे पता नहीं। नाम खा सकती है ना? अरे डेफिनेटली खा सकते हो। ओके गाइस, मम्मी नहीं मिलता। आज उनको धक धक हो रहा है। की भी है। अरे ये ब्लूबेरीज तो हम पैक करके इंडिया लेके गए थे मेरे मम्मी पापा के लिए, बहुत फ्रेश है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ब्लूबेरीज है, छोटे छोटे से, और ये बड़े होंगे इतने प्यारे प्यारे। देखे यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्लूबेरी है, ये देखिए, और इसको लिटरली आप ऐसे तोड़ के ना पैक करके लेके भी जा सकते हो और खा भी सकते हो। ये सारे जंगल में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे है ब्लूबेरी की झाड़ छोटे छोटे, और ब्लूबेरी फेमस है फिनलैंड के। आप जब भी अगर फिनेर में आते हो ना, तो आपको ब्लूबेरी जूसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए और आगे जाके देखते हैं।
दोस्तों मैं आते वक्त आपको दिखाई थी, लेकिन अभी एक और बार दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ का लेक। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लेक है और इतना अच्छा जगह है ना ये। ये है पानी यहाँ पर, कितना सुंदर लग रहा है ये लेक। और ये ना फॉल टाइम पे बहुत सुंदर लगेगा, जब पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा ना, तो ये बहुत प्रिटी लगने वाला है। क्योंकि फॉल टाइम में या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, लाइक स्प्रिंग आने से पहले, जैसे ऑरेंज हो जाती है ना पूरी लीव्स और पत्तियाँ, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो उस समय भी एक बार ट्राई करूँगी आने के लिए। और यहाँ पर सामने है ब्रिज, जो कि थोड़ा हिल भी रहा है। फ्लोटिंग ब्रिज है वो, फ्लोटिंग ब्रिज है, ओके। और यहाँ पर ना अलग अलग डाइविंग स्पॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे ना अलग अलग डाइविंग स्पॉट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे पर्सनल जो कॉटेजेस हैं उनके, तो आप लोग जो फिनिश लोग हैं, वो लोग आके स्विम भी कर रहे हैं और सोना भी ले रहे हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा मिड समर है, तो जो रात है वो बहुत देर बाद होने वाली, मतलब होनी ही नहीं वाली है। लेकिन ठंड इतनी है कि हाथ पूरे ठंडे हो गए, पता नहीं वो लोग पानी में कैसे जा रहे हैं, बट ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर और थोड़ा देर बैठेंगे और फिर उसके आगे अगर कुछ करते तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए सामने आप देखोगे तो वहाँ पे धूप है, क्योंकि अभी सनसेट नहीं हुआ है। सनसेट जो है वो रात के 11 बजे होने वाला है, तो 11:15 बजे, तो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। ये तो वूपर स्वान है, यही है नेशनल एनिमल यहाँ। दोस्तों आप देख सकते हो अभी हो रहा है सनसेट का टाइम, ऑलमोस्ट 11:15 हो गए, मतलब 11:20 हो गए हैं। और कितना सुंदर लग रहा है स्काई, एकदम पिंक। और अभी भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा उजाला है। अभी यहाँ जो है अंधेरा नहीं होने वाला है, आज तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर सकते अंधेरा का। और हम बिल्कुल लेक के पास बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हम लोग मजे कर रहे हैं। और आप देखो स्काई, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड, ये और थोड़ी देर बाद और पिंक होगा। और अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं, है ना, बहुत सुंदर लग रहा है ये। ओके दोस्तों, तो अब बज चुके हैं 11:30, तो हमने सोचा कि हम निकलते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो लगेगा, मतलब 10-15 मिनट ही, बट हम स्लो ड्राइव करते हुए जाएंगे। बहुत ठंड लग रही है, आई मीन लिटरली हम मोटे जैकेट नहीं लेकर आए, तो मुझे तो ज्यादा ठंड लग रही है। ये था आज का व्लॉग नुक्सियों में। और ये आज का दिन जो है वो 21 जून है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कहा जाता है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग यहाँ आते हो तो मच्छर का जो स्प्रे है वो लेकर आना, क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर हो जाता है शाम के समय। तो ऐसा था, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। छोटा सा व्लॉग था, लेकिन बस ऐसे ही हमने कवर किया। अगले बार आऊँगी तो पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी कि कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। Floating rivers upstream, the things that you said. अभी रात के बज रहे हैं 11:45। आप देख सकते हो कितना उजाला है अभी भी। ओ माई गॉड, ऐसे ही रहेगा रात तक। और अगर आप नॉर्थ साइड जाओगे ना तो और उजाला रहेगा। लैपलैंड में तो आज अंधेरा ही नहीं होने वाला है, सनसेट ही नहीं होने वाला है, ऐसा हाल है। और अभी देखिए कितना उजाला है, जैसे शाम के कुछ 6:30 बज रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अभी बज रहे 11:45। और कार तक पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे 12:00।